लाहौर में रहते हुए उस्ताद दामन को ना जानना ऐसे ही है जैसे कोई कलर ब्लाइंड किसी आर्ट गैलरी में रहे। मैं सैकड़ों बार यहां से गुजरा हूं लेकिन कभी उस्ताद दामन के हुजरे में जाने की तौफीक नहीं हुई। उस्ताद दामन बहुत बड़े आदमी थे, पंजाबी जबान के अवामी शायर। उनकी शायरी का मजमुआ है दामन दे मोती। पंजाबी का खुलापन, सियासी और समाजी तंज, बर्जस्तगी, रवानी, सलासत और सलाबत उनकी शायरी के महासिन है। उस्ताद दामन का कांग्रेस से क्या ताल्लुक था, तकसीम के वक्त उनके साथ क्या जुल्म हुआ, भुट्टो दौर में उनके खिलाफ पर्चा क्यों कटा, शाह हुसैन से उनका क्या ताल्लुक है, फैज और मलका तरन्नुम नूर जहां उनसे मिलने कहां आते थे, ये सब कुछ आप देखेंगे इस वीडियो में। उस्ताद दामन लोहारी दरवाजे के रहने वाले थे। पढ़ लिख कर नौकरी ना मिली तो बागवानपुरा में दर्जी का काम शुरू कर दिया। वहां कांग्रेस के मियां इफ्तखारुद्दीन भी आया करते थे और उनसे कपड़े सिलवाते। ये तकसीम हिंद से पहले की बात है। गाहे गाहे उस्ताद की शायरी के भी मद्दाह बन गए और यूं उस्ताद की शायरी कांग्रेस के जलसों तक पहुंच गई मियां इफ्तखारुद्दीन के जरिए। मियां इफ्तखारुद्दीन ने उस्ताद को कांग्रेस के जो लाहौर में जलसे हुआ करते थे वहां ले जाना शुरू कर दिया अपने साथ। उस्ताद कांग्रेस के जलसों को अपनी शायरी से गरमाते, सियासी और समाजी तंज करते, तंदो तेज वर्सेस पढ़ते। उस्ताद दामन जाहिर है तकसीम हिंद के हक में न थे लेकिन तकसीम के बाद पाकिस्तान ही उनका वतन था। उनके दोस्त फैज अहमद फैज से जब किसी ने पूछा कि भारत को तो आप अपनी महबूबा कहते हैं, कहते थे, तो अब तकसीम हिंद के बाद क्या कहेंगे, तो फैज अहमद फैज ने जवाब दिया कि भारत हमारी महबूबा ही है लेकिन पाकिस्तान हमारी मनकूहा है। तकसीम के बाद उस्ताद दामन भारत गए तो जवाहरलाल नेहरू ने उस्ताद को भारत ही में रह जाने की पेशकश की लेकिन उस्ताद ने बड़ी मोहब्बत से ये पेशकश ठुकरा दी। वीडियो में आगे चलकर आपको पता चलेगा कि पंडित नेहरू कितने मेहरबान थे और उस्ताद दामन के साथ हमने क्या जुर्म किया। बहरहाल दिल्ली में तकसीम के फौरन बाद जो नज्म उस्ताद दामन ने पढ़ी वो ये थी। इना आजादियां हाथों बर्बाद होना होए तुसी व्यू होए ऐसी दियां, कुछ उम्मीद जिंदगी मिल जाएगी मोए तुसी भी हो मोए असी भी हाँ, जिंदी जानी मौत दे मुंह अंदर ढोए तुसी भी हो ढोए असी भी हाँ, जागण वाले रज के लुटे आई सोए तुसी भी हो सोए असी भी हाँ, लाली अखां दी पई दसदी है रोए तुसी भी हो रोए ऐसा भी हाँ। पंडित नेहरू ये नज्म सुनकर आप दीदा हो गए। यहाँ टकसाली में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने और मरम्मत करने वाले जा बजा हैं, ढोलक, तबला, गिटार, हारमोनियम, बहुत से लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स फरोख्त कर रहे हैं। ये लोग ढोल का वो हिस्सा बना रहे हैं जिस पर थाप लगाई जाती है। बकरे की खाली की जी शुरू तो बजती आ रही है सदियाँ ला दी, हूँ इन्हें डिफरेंट कर दिता है, इन अंदरों कटाई करके ना असी प्लास्टिक ला के शलोशन ला के सिलाई करके प्लास्टिक नू उत्ते ढोल दे ला रहे हैं। उसकी आवाज़ जरा चेंज हो गई है, एदी आवाज़ जरा भारी है, बकरे के खल की आवाज़ जरा वजनी होंगी है। पुराने पिछले वक्त जो वजदा आ रहा हूँ जो वक्त जिमें जिमें चेंज होता गया उमें यह चीज़ा भी चेंज हो गई ने। साई होर ने उन्होंने होर सॉफ्ट किया जिंदा ना पप्पू साई है, दुनिया का बहुत खास बंदा होया, गॉड गिफ्ट मिले उन्होंने पप्पू साई, गूंगा साई एंड मिठू साई। किसी से पूछना पड़ेगा कि उस्ताद दामन का हुजरा कहाँ है। मुझे तो यही बताया गया था कि टकसाली दाखिल होते ही दाएं हाथ शुरू ही में है। दरअसल तकसीम के वक्त बुलवाइयों ने उस्ताद दामन की दुकान को आग लगा दी थी और जो था जलकर राख हो गया था। वो दुकान बागवानपुरा में थी, ये वाकया बागवानपुरा ही का है। उस्ताद दामन के हुजरे का इन बग्गी वालों से पूछते हैं। जी वालेकुम सलाम, और भाई हम तुम सुनाओ यार। उस्ताद दामन के हुजरे जाना है, उस्ताद दामन दे गुजारे ने उस्ताद दामन दे हुजरे च तुहानू तो भाई गुआच मझ नहीं लभनी, उस्ताद दामन कित्थों लभना, हुजरा कित्थों लभना तुहानू यार।
ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੈਣ ਐਸੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਕਸਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਜਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆਚੀ ਗਾਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਦਾਮਨ ਦਾ ਉਜਰਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਭੀ ਹੋਈ लाहौरी और गैर लाहौरी मिसाज में यही एक फ़र्क है। लाहौरी कोई चुटकला छोड़े बगैर बात नहीं करते। बहरहाल मुझे तो ये मिजाज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब बहुत खाल खाल ही ये लोग रह गए हैं। तो उस्ताद जी तुम उस्ताद दामन तो जाना पुछ रहे चुना दे मजीद तुहानू नज़र पढ़े हो तुसी वैसे जाहिर है यार ते भैन पढ़े हो तुसी नज़र तुहानू आ सामने हुजरा उन्हां दा वेखो ए वड्डा साडा बोर्ड लग्गा है ये है उस्ताद दामन का हुजरा और ये नेम प्लेट भी लगी है। एक हसरत तामीर भी न रही तो उस्ताद बागबानपुरा छोड़कर यहाँ टकसाली चले आए। उस्ताद के बारे में मशहूर है कि उन्होंने मुजर्रद जिंदगी गुजारी, ऐसा है नहीं। दरअसल उस्ताद दामन ने एक लड़की के थ्रीन से शादी की थी और उनका एक बच्चा भी था जो फौत हो गया। फसादात में कथरीन के साथ भी जुल्म किया गया, उसे उठा कर ले गए, बुलवाई उसे उठा कर ले गए। उस्ताद दामन ने बहुत ढूंढा, थक हार गए ढूंढ ढूंढ के, लेकिन फिर एक दिन कथरीन वापस आ गई। जाहिर है उसने भी बुलवाइयों के फसादियों के हाथों बहुत जुल्म सहे होंगे। उस्ताद फरमाते हैं कि वापस आने पर ना कभी मैंने कैथरीन से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ और ना कभी उसने पूछा कि मुझ पर क्या गुजरी। कुछ कहण नू जी प्या करदा है, कुछ कहण तो जी प्या डरदा है, कुछ कहिए पागल कहंदे ने, चुप रहिए सीना सड़दा है। यही वो जगह है जहां फैज़ अहमद फैज़, सूफी तबस्सुम, हबीब जालिब और नूर जहां समेत बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे उस्ताद से मिलने के लिए। अंदर आया हूँ तो किताबें वैसे ही मौजूद हैं, शेल्व्स में लगी हुई, थोड़ी सी बेतरतीब, वही बिस्तर, वही शेल्फ, बस उस्ताद दामन के पोर्ट्रेट का इजाफा हो गया इस कमरे में। यही जगह कभी पंजाबी सूफी शायर शाह हुसैन का मस्कन था। जब उस्ताद दामन ने भुट्टो के खिलाफ एक नज़्म लिखी तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों ने उस्ताद पर दस्ती बम बरामद होने का झूठा मुकदमा बनाया। यही वो कमरा था जहाँ से मुबैना तौर पे दस्ती बम दरियाफ्त हुआ था। झूठा पर्चा काटा गया उस्ताद पे उन्हें रुसवा करने के लिए, जलीलो खार करने के लिए झूठा पर्चा काटा गया। लेकिन उस्ताद को खुदा ने इतनी इज्जत दी थी, आज तक है, पर्चा काटने वाले कहीं से कहीं चले गए, उस्ताद जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। भुट्टो साहब एक तरफ भारत से हज़ार साल जंग की भड़क लगा रहे थे और दूसरी तरफ शिमला मुआहदा कर रहे थे। उस्ताद दामन को दरअसल मुनाफ़क़त बहुत खलती थी। वो किसी की भी मुनाफ़क़त हो, किसी सियासतदान की, किसी ब्रोक्रेट की, किसी समाजी वर्कर की, किसी अदीब की, किसी शायर की, वो बहुत बुरा मानते हैं। खुद एक बहुत खरे और सीधी बात करने वाले इंसान थे। बस इसी पे कुछ लोग नाराज़ हो गए जो भुट्टो साहब के बारे में उन्होंने लिखा, कभी शिमले जाना है, कभी मरीज जाना है, लाई खेस जाना है, खिची दरी जाना है, ए की करी जाना है, ए की करी जाना है, कदी चीन जाना है, कदी रूस जाना है, बन के तू अमरीकी जसूस जाना है, ए की करी जाना है, की करी जाना है, लाई कोट जाना है, टंगी बावा जाना है, उड़ाई कौम दा तू फलूस जाना है, ए की करी जाना है, ए की करी जाना है। पाकिस्तानी पंजाब में उर्दू जबान बाकायदा पढ़ाई जाती है और यहाँ के पंजाबियों मसलन इकबाल, फैज़, राशिद, मजीद, नासिर, अहमद मुश्ताक, अब्बास ताबिश समेत बहुत से पंजाबी बोलने वाले शायरों ने उर्दू में कमाल हासिल किया है। मैं भी खालिस पंजाबी हूँ और उर्दू में तिफले मकतब हूँ। बहरहाल उस्ताद के हुजरे से निकलकर उनकी आखिरी आरामगाह जाने का सोचा। रास्ते में ढाका बिरयानी के लिए रुका हूँ। लाहौर में किसी को बिरयानी बनानी नहीं आती, अलबत्त पुलाव बनाने में गुजारा कर लेते हैं। लाहौर खानों के मामले में बहुत मशहूर है, लेकिन इनफैक्ट खाने बहुत अच्छे शायद नहीं हैं। लाहौर की हर तरह का खाना खा लेते हैं,
बस खाना हो, मुरगन हो। कुछ जदीद रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छी बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन वो जदीद हैं, वहाँ बैठ के खाने का वो मज़ा नहीं है जो ढाबों पे और चौराहों पर है। ये लाहौरी मिजाज है, ढाबों पर, चौराहों पर, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में खाना, रेडियो पर खड़े होकर खाना। अब ये मिजाज ख़त्म होता जा रहा है। उस्ताद दामन की शायरी में तंज बहुत काटदार हुआ करता था। वो खुद को सोशलिस्ट नहीं कहते बल्कि सूफी मनश थे, लेकिन नज़रियात सोशलिस्ट ही थे। जनरल ज़िया की आमरीत पर उन्होंने एक नज़्म कही जो सुनने के लायक है। मेरे मुल्क दे दो खुदा, ला इलाह ते मार्शल ला, एक रहंदा अरशां ते दूजा रहंदा फरशां ते, ओदा ना है अल्लाह मियां, एदा ना है जनरल ज़िया। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। मैं तो क्योंकि भुट्टो दौर में पैदा हुआ और जनरल ज़िया के दौर में आँख खोली, इसलिए मैं तो उस दौर को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके जबर को, उस सन्नाटे को, उस खामोशी को अच्छी तरह से जानता हूँ जो उस दौर में रवा रखी गई बहुत बड़े बड़े मसालिम के खिलाफ। जनरल ज़िया और उस्ताद दामन की मुलाकात चौधरी ज़हूर इलाही के यहाँ एक शादी में हुई और ज़िया साहब ने उस्ताद से वही नज़्म सुनने की फरमाइश की। उस्ताद ने क्या खूब जवाब दिया। उस्ताद बोले, ऐ कोई रेडियो जलंधर नहीं है, जो चाहो ट्यून कर लो। बड़ी बात है, जनरल ज़िया एक आमिर थे और उनके सामने खड़े होकर ऐसी बात कहना दरअसल बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि जनरल ज़िया का ताल्लुक जलंधर से था, जैसा कि मेरे आबा अजदाद का भी था। लेकिन मुझे जनरल ज़िया के जलंधरी होने पर कभी कोई फख्र नहीं रहा। मेरे वालिदैन भी हिजरत करके आए थे, बल्कि वो तो जब तकसीम का हवाला देते हैं या देते थे तो हमेशा यही कहते हैं कि जो उसी जलंधरों उजड़ के आए ते थे कोई हाल नहीं सी। वो कभी ये नहीं कहते थे कि हम हिजरत करके आए। उजड़ने में और हिजरत करने में शायद बहुत फ़र्क है सोच का। उस्ताद दामन की फैज़ से दोस्ती मिसाली थी। फैज़ साहब की तदफीन पर उस्ताद फूट फूट कर रोए और कहने लगे, अब मेरी बारी है, मेरा दोस्त चला गया। और फिर पूरे 13 दिन के बाद उस्ताद दामन भी चले गए। उन्हें यहाँ शाह हुसैन के मज़ार के अहाते में दफनाया गया। यहाँ लंगर बट रहा है और भूख के मारे अवाम उस्ताद दामन से बेपरवाह लंगर समेटने की दगोदौ में है। उनके आखिरी आरामगाह पर भी जमे गफीर है लोगों का, लंगर लेने वालों का। इस तबकाती तकसीम के लिए उस्ताद दामन कहा करते थे, जिन्नी त्वातो पैंदी है उन्नी अन्नी पाई जाओ, जिन्नी त्वातो पैंदी है उन्नी अन्नी पाई जाओ, विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ, मरी दियाँ चोटियाँ ते छुट्टियाँ गुजार के गरीबा नू कश्मीर वाली सड़कों सड़की पाई जाओ, ढिड भरो अपने इन्हां दी की लोड़ है, भुक्कियां नू लंबियां कहानियां सुनाई जाओ, बंद जे शराब कीती वारे जाइए बादशाह दे, घरों घरी पेटियां ते पेटियां पुजाई जाओ, तोला मासा रोल के गरीबा दी कमाई विचों अमरीका कोलो कारा उते कारा मंगाई जाओ, खाई जाओ भेद कहने खोलने विचों विचों खाई जाओ उतों रौला पाई जाओ। आप देखिए कि वो लोग बेचारे लंगर लेने के लिए आए हैं और लंगर तक पहुंच नहीं पा रहे, यहाँ कितनी देगें खुलेंगी। ये जन्म जन्म की भूख है, जन्म जन्म की भूख है, यहाँ कितनी देगें खोलोगे आप, कितने पैकेट पकड़ोगे, कैसे पेट का दोजख बुझाएंगे ये लोग। मंदिरों और मज़ारों में ये तो फ़ायदा है कि खाने को कुछ मिल जाता है गरीब लोगों को, शायद इन्हीं की वजह से हमारे मज़ार भी आबाद रहते हैं। हमारे साथ रहिएगा, अपने कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए मशाले राह होते हैं।